नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दिवस बरमकेला में भारी गहमागहमी एवं ऊहापोह की उपस्थिति थी, जहां भाजपा ने रैली की शक्ल में सामूहिक रूप से जाकर नामांकन जमा कराया। वहीं कांग्रेस के साथ बड़े नेता मौजूद थे, मगर सिर्फ एक वार्ड के प्रत्याशी चयन में माथापच्ची करने के कारण रैली या कोई अन्य तामझाम प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि अंदरूनी सियासी पारा बहुत गर्म रहा। कई वार्डों में निर्दलियों की मजबूत उपस्थिति भी नामांकन के साथ देखने को मिली। आखिर दिन कुल 51 नामांकन आए। कुछ मिलाकर बरमकेला नगरी निकाय के 15 वार्डों में अब तक 77 नामांकन जमा हुए। अब इनका 9 दिसंबर को नाम वापसी के बाद वार्ड पर असल सियासी समीकरण उभर कर सामने आएगा। बरमकेला नगर पंचायत में व्यापक अनियमितता और गड़बड़ी का कोई मामला नहीं उठा पाते हैं कोई भी प्रतिनिधि। गत 10 साल से देख रहा हूं, इसी कारण मैंने अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में भरना चाहा और वहां की जनता ने स्पष्ट उत्तर कहा है कि नगर पंचायत में जो भी अनियमितताएं होती हैं उसकी आवाज उठाना है और वहां जो भी काम होता है गुणवत्ता पूरा करना है। ऐसी यहां सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राकेश वर्मा जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहां कितने नामांकन आए हैं। आज दिनांक तक कुल ऑनलाइन 51 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जिसमें से 5 कैंडिडेटों ने डबल नामांकन दाखिल किया था। इस प्रकार कैंडिडेटों की संख्या 46 है। आगे अब क्या प्रक्रिया है इसके लिए? आगे कल दिनांक 7 तारीख को स्क्रूटनी होगी नामांकन फार्म की और 9 तारीख को नाम वापसी है। 9 तारीख के 3 बजे के बाद कैंडिडेटों की सूची जारी कर